नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के लगभग 3 लाख मामलों और 2000 से अधिक मौतों के बीच देश इस कोरोना वायरस के नए म्यूटेशन का सामना कर रहा है। डबल म्यूटेशन के बाद अब कोरोना वायरस का ट्रिपल म्यूटेशन चर्चा में है। इसके मायने ये हैं कि नए वेरिएंट में 3 कोविड स्ट्रेन मिल गए हैं। ये ट्रिपल स्ट्रेन देश के कुछ हिस्सों में सामने आए हैं। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र, दिल्ली और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में ट्रिपल म्यूटेंट के मामले सामने आ रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि वैश्विक स्तर पर कोरोना केसों में बढ़ोतरी के पीछे यही नया वेरिएंट है। CSIR IGIB के रिसर्चर डॉक्टर विनोद स्कारिया के ट्वीट के मुताबिक E484K वेरिएंट इम्यून सिस्टम से बचने में महारत हासिल रखता है। इसके जेनेटिक सेट्स दुनिया के कई कोरोना वायरस वेरिएंट्स में मिल रहे हैं। E484K जेनेटिक सेट्स वाले नए म्यूटेंट कोरोना वायरस प्लाज्मा थेरेपी से भी ठीक नहीं हो रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये नए केसों को बढ़ा रहा है, न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में। ट्रिपल म्यूटेशन कितना संक्रामक है और कितना घातक हो सकता है, ये आगे की स्टडी से ही पता चल पाएगा। पूरे भारत में केवल 10 लैब में इस वायरस के बारे में स्टडी हो रही है। डबल म्यूटेशन ने ट्रांसमिशन रेट को बढ़ाया है और इसका असर बच्चों पर भी दिखा है। अभी तक ट्रिपल म्यूटेशन को लेकर स्टडी शुरुआती दौर में है। ट्रिपल म्यूटेशन में 3 में से 2 वेरिएंट जिनकी एंटीबॉडी डेवलप है उसे कम होने के आसार हैं। इन पर वैक्सीन की प्रभावशीलता के बारे में भी अभी ज्यादा जानकारी नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।